हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो आपने कई प्रकार से बनाकर खाई होगी। आज मैं इसे पार्टी स्टाइल में बनाना बताऊँगी, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए सब्जी बनाने की शुरुआत करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है शिमला मिर्च और प्याज, जिसे मैंने पहले ही कट कर लिया है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च और प्याज को हमें लंबे टुकड़ों में ही कट करना है। जिस प्रकार से मैंने कट किया है ऐसे कट करेंगे। देखिए, ये जो प्याज है उसमें से कलियां अलग कर देना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर हम डालेंगे एक परी तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसी में ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको भी लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। इसका कलर हमें ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है, थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च को हमें पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें क्रंचीपन होना चाहिए, इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए शिमला मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का हल्का आपको ब्राउन दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें फ्राई करना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के बाद मैंने लिया एक कटोरी मखाना। अब उसी कढ़ाई के अंदर इस मखाने को भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें क्रंचीपन ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मखाना भी भुन चुका है। अभी मैं इसको आपको हाथों से दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये टूटना चाहिए, यानी मखाना भी अच्छे से भुन चुका है। मखाना को भी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे एक परी तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज और टमाटर, जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू, जिससे हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने ज़्यादा काजू नहीं लिया, 7-8 काजू लिया है। इसी में एक हरी मिर्च डाल दी है, आप हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार और ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसी में डालेंगे लहसुन और सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो सभी सब्जियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। तो अब उसी कढ़ाई के अंदर हम फिर से तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, और जीरा को भी तेल में अच्छे से हम पका लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट, जो पेस्ट मैंने बना के रखा था उसको हम डाल देंगे। तेल में पेस्ट को डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसको हम 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर 2 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। और मसाले को भी पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर हम पेस्ट को पका लेंगे। अब जार को धो करके पानी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर लगातार चलाते हुए ग्रेवी को हम अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी पहले से सूख चुकी है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज, जिसे मैंने पहले पकाया था। इसको डालने के बाद इसको मसालों के साथ अच्छे से हम मिलाएंगे, ताकि मसाले जो है सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, और पानी को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मखाना, जिसे मैंने रोस्ट किया था, उस मखाने को भी हम इसमें डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब सब्जी को मिलाने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और सब्जी के अंदर आप और पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इतना ही पानी रखा है, जैसी आप ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डालिए। अब सब्जी को हम पकने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शिमला मिर्च, प्याज और मखाने की टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में सर्व कर लेंगे। इस सब्जी को पूरी, पराठा, रोटी या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो इस तरीके से आप भी शिमला मिर्च, प्याज और मखाने की सब्ज़ी घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो इसे फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।